टू वेदिका क्लासेज विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 मैथमेटिक क्यूज अभ्यास, जो अपना 28 अगस्त से 3 सितंबर के मध्य अपन को सॉल्यूशन करना होता है। इसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें अंत तक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अपना है, निम्न व्यंजनों में से कौन सा एक पदी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, आप देखिए एक पदी अगर आप देखते हैं तो भी आप समझ सकते हैं, जैसे आसानी से अपन को इसको समझ में आ जाएगा कि 18 एम स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 10 प्लस बी स्क्वायर, एक पदी यानी जिसमें एक पद होगा। यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी का अपन दूसरा क्वेश्चन देखें तो नीचे दिए गए व्यंजन को ध्यान से देखिए और सही कथन का चयन करना होगा। देखिए अब अपना व्यंजन कौन सा है, व्यंजन जो अपन को दे रखा है आप ध्यान से देखिएगा कि माइनस 2m² NO + m²n + n - 2mn - 4m - 12mO। इस तरीके से यहाँ पे अपन इसका देखें आंसर सही, तो यहाँ पे अपना इसका सेकेंड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा कि m² n + n² - 2mn एक त्रिपदी है, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, तीन पद है। देखिए एक m² n, दूसरा n² और तीसरा जो है वो -mn, इस तरीके से इसमें तीन पद काउंट किए जाएंगे। आगे देखें अपना तीसरा क्वेश्चन, तो देखिए दिए गए जो अपना व्यंजक है उन पर विचार कीजिए कि a² - 8, तो व्यंजक को किस प्रकार एक त्रिपदी व्यंजक बनाने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। यानी अपना जो व्यंजक है वो अपन को देखो दे रखा है a² - 8, इसको अपन ये देखिए द्विपदी है, इसको त्रिपदी बनाना है, तो इसमें अपन क्या जोड़ेंगे या क्या घटाएंगे जिससे ये त्रिपदी बन जाएगा। तो इसमें अपना तीसरा ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा कि दिए गए व्यंजन में b² जोड़ने पर पद अपना त्रिपदी व्यंजन बन जाएगा। आगे देखें अपना चौथा क्वेश्चन, तो देखिए एक बहुपद px इस प्रकार है कि p a बराबर 0, तो a एक वास्तविक संख्या है, क्या ये कथन सत्य है, a बहुपद का एक शून्यांक होगा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन ए हाँ ये कथन सत्य है राइट आंसर होगा। आगे अपन देखें अपना पांचवा क्वेश्चन कि यदि c बहुपद है और px का एक शून्यांक है तो अपन c को किस तरह प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे अपना चौथा ऑप्शन राइट आंसर होगा pc बराबर 0। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि px बराबर 7x + 4 हो तो p1 का मान ज्ञात करो, यानी x की जगह अपन को क्या रखना है, एक रखना है। अगर देखिए यहाँ पे मैं x के एक रखता हूँ तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 7 और 4 होंगे 11, तो यहाँ पे अपना b ऑप्शन राइट आंसर होगा 11। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपन को एक ग्राफिक के रूप दे रखा है जिसमें अपन को पूछा गया है, आप ध्यानपूर्वक ग्राफ को देख लीजिए और अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं कि दिया हुआ ग्राफ x के किस बहुपद को दर्शाता है, क्या ये रैखिक है, त्रिघात है, द्विघात है या पंचघात है। तो यहाँ पे अपना तीसरा ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा कि दिया गया जो ग्राफ है ये अपना द्विघात बहुपद को दर्शाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अपना, फिर अपन को ग्राफ दे रखा है तो ध्यान से देखिएगा इसमें अपनी स्थिति को और जो क्वेश्चन है उसको देखें कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है, एक है, दो है, तीन है। तो देखिए शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन देखेंगे कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, दो बार काट रहा है, एक स्थिति और ये इसकी दूसरी स्थिति। तो यहाँ पे वाई का मान कितनी बार शून्य होगा, दो बार शून्य होगा, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 2। ये था आज का अपना कक्षा 10 का मैथमेटिक्स क्यूज का सॉल्यूशन।